पिछले महीने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में मैंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए ई मार्केटिंग पोर्टल का विचार रखा था। इतने कम समय में आज उसका शुभारंभ होते देख मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभव हो रहा है और इसलिए मैं विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस ई मार्केटिंग पोर्टल जैविक यानी कि ऑर्गेनिक उत्पादों को खेत से बाजार तक और बाजार से उपभोक्ता के द्वार तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। प्रोडक्ट्स की जानकारी, उसके मार्केट और सप्लाई चेन की जानकारी अब किसानों को और उपभोक्ताओं को आसानी से उपलब्ध होगी। मेरे किसान भाइयों बहनों, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर मेरा जोर इसलिए है क्योंकि ये जितने पुरातन है उतने ही आधुनिक भी है। सच्चाई यही है कि हम दुनिया के सबसे पुराने ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले देशों में से एक है। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, लेकिन दूसरी सच्चाई ये भी है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बाद जो अगला स्टेप है वैल्यू एडिशन का, मार्केटिंग का, उसमें हम आज भी पीछे रह गए हैं। इस कमी को दूर करने में ई मार्केटिंग पोर्टल से काफी मदद मिलेगी। साथियों, सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। साथियों, एग्रीकल्चर में भविष्य इसी तरह के नए सेक्टर्स की उन्नति, किसानों की उन्नति में सहायक होगी। ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ ही जितना ज्यादा हम ऑर्गेनिक रिवॉल्यूशन, वाटर रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, स्वीट रिवॉल्यूशन पर बल देंगे उतना ही किसानों की आय बढ़ेगी। इस उन्नति में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे देश भर में फैले हमारे कृषि विज्ञान केंद्र। आज यहां 25 नए कृषि विज्ञान केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और इन्हें मिलाकर हमारे देश में इनकी संख्या लगभग 700 हो गई है। मैं इन कृषि विज्ञान केंद्रों को आधुनिक कृषि के नए लाइट हाउस के तौर पर देखता हूं। इन केंद्रों से निकला प्रकाश देश के कृषि जगत को प्रकाशवान बनाएगा। विशेषकर कृषि विज्ञान केंद्र का सबसे महत्वपूर्ण काम है किसान तक नई टेक्निक, नई जानकारी को पहुंचाना। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस कार्य में अपनी भूमिका पूरी तन्मयता के साथ निभाते रहेंगे।